नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके समक्ष मध्य प्रदेश की स्थिति के ऊपर चर्चा करना चाहूंगा। दोस्तों, जिस मध्य प्रदेश को हम शांति का टापू मानते हैं और विशेषकर इसका जो मालवा क्षेत्र है उसके विषय में ये कहा जाता है, यहां राजनीति भी जो होती है वो भी प्रेम भाव से होती है, क्योंकि यहां कभी भी इतिहास नहीं रहा राजनीतिक हत्याओं का, राजनीतिक द्वेष का। यह जो क्षेत्र है, किसान यहां का संपन्न है, मिट्टी उपजाऊ है, परंतु मात्र एक महीने की कांग्रेस सरकार ने स्थिति ऐसी बना दी है कि इस मालवा क्षेत्र के मंदसौर में यहां के प्रथम नागरिक को 20 चौराहे पर गोलियां मार दी जाती है। इंदौर महानगर में एक बड़े व्यापारी को बीच इंदौर में शाम के समय गोलियां मार दी जाती हैं। दो रोज पहले हमारे बड़वानी के मंडल अध्यक्ष को जो मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं उनकी हत्या कर दी जाती है। गुंडे मवालियों के दिल से पुलिस प्रशासन का भय हट चुका है। उसका कारण है, सरकार सो रही है, मंत्री केवल प्रोटोकॉल का लुत्फ उठा रहे हैं, मुख्यमंत्री जी विदेश में हैं और जो विधायक हैं वह मंत्री बनने के प्रयास पे लगे हुए हैं। जनता से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि जनता की क्या स्थिति बन रही है। और उसके बाद गोविंद सिंह जी जैसे इनके मंत्री कांग्रेस के उलझुल बातें करते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर उल्टे सीधे बयान देते हैं कि ये लोग बम बनाना सिखाते हैं, एटम बम बनाते हैं। आप केवल और केवल डाइवर्शनरी टैक्टिक्स का उपयोग कर रहे हैं अपने फेलियर को छुपाने के लिए। आपने मध्य प्रदेश की हालत जो खराब की है, चाहे वो बिजली के क्षेत्र में हो, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर में हो, किसान जिस प्रकार से स्वयं को छला हुआ महसूस कर रहा है, केवल आपने पॉलिटिकल डिबेट डाइवर्ट करने के लिए संघ के ऊपर हमला करना शुरू किया। अरे मैं आपको कहता हूं, आज आपके पास पुलिस है, आपके पास जांच एजेंसियां हैं, यदि संघ वास्तव में ऐसा करता है तो आप बताएं ना, आप प्रूव करें। और इसी संघ को आपके नेहरू जी से लेकर प्रणब मुखर्जी तक, नेहरू जी ने इसी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को, जिसका हम अपने आप को स्वयंसेवक कहने में गौरवान्वित मानते हैं, गणतंत्र दिवस की परेड में बुलाया। तो क्या उन्होंने बम बनाने वालों को बुलाया था? इसका अर्थ तो यह हुआ कि आपके नेहरू जी जो थे वो राष्ट्र विरोधी थे। प्रणब दा कुछ दिनों पहले ही नागपुर गए संघ के कार्यक्रम में, तो आप कह रहे हैं कि पूर्व राष्ट्रपति और जो कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता रहे हैं वो राष्ट्रद्रोही थे। केवल और केवल पॉलिटिकल डिबेट बदलने का एक प्रयास है संघ के ऊपर पत्थर फेंक कर। यदि यह सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, अपने दायित्व का निर्वाह नहीं करती है तो भारतीय जनता पार्टी ने हाथ में चूड़ियां नहीं पहन रखी है। हम आपकी ईंट से ईंट बजा देंगे सदन से लेकर सड़क तक। और वैसे भी आपकी जो सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, यह तो अर्थी पे चल रही है। और अर्थी उठाने वाले कौन है? एसपी और बीएसपी, जिन्होंने कांग्रेस को उसकी औकात याद दिला दी 2 सीटें छोड़कर उत्तर प्रदेश में। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से न केवल सरकार को बल्कि अधिकारियों को भी वार्न कर रहा हूं, मैं आपको आगाह कर रहा हूं कि अपने दायित्व का निर्वाह करें, वरना हम सड़क पर आ जाएंगे, जिसका ट्रेलर आज आपने देखा है प्रत्येक जिले में। धन्यवाद। वंदे मातरम।